सर्जन होने के बाद हम लोग गए थे ट्यूसडे को मंगल मार्केट, संडे को हुआ था हमारे घर पे गणपति विसर्जन, फिर ट्यूसडे को मार्केट जो लगता है वहाँ गए थे। कुछ कुछ सामान लेना था, बच्चों लोगों के लिए कुछ कुछ लेना था, मेरी दीदी को लेना था, तो हम लोग सब गए थे। बस रागनी नहीं गई थी, हम लोग स्कूटी से आ गए थे। और देखिए यहाँ पर हम लोग को झुमका दिखा था तो बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे, तो उसमें से हम लोगों ने कुछ कुछ लिया, मतलब मुझे भी खरीद के उन्होंने ही दिया था। और फिर और भी देखिए और भी बहुत कुछ सामान थोड़ा थोड़ा जो भी था घर का वो सब लिया था हमने। तो चलिए आपकी मार्केट की सैर कराती हूँ। और एक बार और गई थी मैं, तो वो डिटेल में वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी बहुत ही ज़्यादा पत्थर पत्थर नीचे गिट्टी वगैरह निकल गए थे, तो मार्केट पूरा नहीं लगा था। और जब नॉर्मल मौसम रहता है, धूप रहता है, निकला तो बहुत ही बड़ा मार्केट यहाँ पर लगता है। तो फिर अभी थोड़ा छोटा सा ही, मतलब बाहर बारिश वारिश की वजह से लगा था, तो फिर भी हम लोगों ने कुछ कुछ जो भी सामान मिला था वो सब लिया घर का। तो चलिए अच्छा लग रहा साड़ी का 100 रुपया 100 रुपया साड़ी 100 रुपया इधर प्राइस पूछो तो कैसे है मीटर 60 रुपया मीटर से लेके 250 रुपया मीटर तक है। 60 रुपये से 250 तक बढ़िया लगेगा। हाँ मस्त लगेगा उनसे, वो पीच कलर के रेड वाला से अच्छा लगेगा उनसे ना। हाँ हाँ ऊपर जाने के कपड़ा अलग सा अच्छा ग्रीन टाइप की जैसे से वो 250 से दूसरे 250 बारिश की वजह से ना बोल रहा हूँ। क्या हुआ नाइफ लेना था और छिलने वाला वो ले लो, है तो दिख रहा है कहीं पे नाइफ दिखाइए ना बड़ा वाला इतना नहीं इससे थोड़ा बड़ा। हाँ हाँ दिखाइए ऐसा वाला चलो अभी नीचे वाला देख नवरात्रि के लिए ना वो फ्रॉक क्यूट लग रहा है छोटे बच्चा के। सही बता रहा हूँ, वो नहीं करना है। नवरात्रि भाव इससे 450-500 बढ़ जाएगा। अरे ये जो गणपति में खाली पहली बार है वो नहीं कर रहा हूँ। तो पिंक वाला देखो ना नीचे जो डार्क पिंक है वो हाँ में आपको मिलेगी। दोनों ये दोनों लेना है बोलिए, एक 350 वाला और एक 450 वाला। ले तो जाओ कौन सा चाहिए वो वाला ये वाला दिखाइए तो आता निधि के लिए ले लो। हाँ। ये और इसको ये पसंद है तो रुकी कर दुपट्टों से सौ वही सर से रिटर्न आए। बस तो यहाँ से कुछ कुछ सामान लेने के बाद यहाँ पे हम लोग कप की शॉप पे यहाँ, मतलब यहाँ पे आ गए। कप मिल रहा था तो यही देखने के लिए, बहुत ही प्यारे प्यारे से कप मिल रहे थे, तो हम लोग मतलब यहाँ से कुछ कप लिया। और फिर उसके बाद देखिए प्यारे प्यारे खिलौने मिल रहे थे छोटे छोटे बच्चों के, हम लोगों ने भी बचपन में छोटे छोटे उस खिलौने से खेले हैं, तो वही स्टील के सारे मिल रहे थे सब कुछ। गैस चूल्हा कढ़ाई वगैरह सब तो अनन्या वही देख रही थी देखिए साइड में। और यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे नवरात्रि आ रही है, तो वहाँ पर भी स्कर्ट वगैरह मिल रहे थे, जो भी नवरात्रि के ड्रेस अब होते हैं वो सब मिल रहे थे बच्चों के, तो वही हम लोग भी वहाँ भी देख रहे थे। और मार्केट में सब कुछ मिलता है यहाँ पर, घर का सामान जो भी रहता है डेकोरेशन वगैरह का सामान सब कुछ आपको आराम से मिलता है यहाँ पे। तो हम लोग कभी कभी घर का कुछ भी लेना रहता है डेकोरेशन वगैरह का, तो यहीं पे आ जाते हैं लेने के लिए।
यहाँ से घर के कुछ कुछ सामान लेने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे, क्योंकि आज था सातवें दिन के गणपति जी का विसर्जन। ये ब्लॉग बहुत ही लेट हो जाता है मेरा ब्लॉग डालने में, बहुत ही पहले का ब्लॉग है। जब गणपति पूजा स्टार्ट थी तभी, मतलब सातवें दिन के गणपति जी का विसर्जन था तब का है। और यहाँ पे देखिए आ गई हूँ मैं। फिर उसके बाद सोसाइटी में भी विसर्जन हुआ था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा क्लिप शूट कर दिया है इसमें। कुछ कुछ सामान लिया था और कुछ कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वो बहुत सारा शूट कर लिया था वीडियो। तो चलिए वीडियो देखिए आप लोग मार्केट का, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा टाइम के बाद। देखो एक बार देखा जा मंगल मार्केट। अरे इधर रखिए। और एक देखो ना स्कूटी के पास हम निकलते हैं। हो गई शॉपिंग क्या पूरा? अनन्या क्या खाएगी? क्या खाएगी? मंचूरियन निकालो पीछे, ये है देख के। चले घर पे चलते हैं, घर पे जाके मिलती हूँ आप चाय के साथ। के भाग गई देखो अभी। बैठ चलो हमको भी बैठ। कहाँ लिए तो फिर? अच्छा अच्छा तो देखिए हम लोग पहुंच गए थे सोसाइटी में, और यहाँ पे ये लोग कर रहे थे यहाँ पे मस्ती अपना, यहाँ पे मंचूरियन लाके खा रहे थे यश और युवराज। और नीचे देखिए सोसाइटी में चल रहा था अभी गणपति विसर्जन की तैयारी चल रही थी, सातवें दिन की गणपति की। तो वही दिखाती हूँ मैं, अभी डांस कर रहे थे झूम झूम के ये लोग। समोसा पार्टी चल रही ना। मैंने तो बस ये दो लिपस्टिक लिए था, और ये दोनों शेड है, और उसके बाद ये वाला इयररिंग्स उन्होंने ख़रीद के दिया था दीदी ने। तो ये वाला एक येलो कलर का लिया था और एक ये ग्रीन कलर का मेहंदी और हल्दी की, ये ग्रीन कलर का जो मेरे पास नहीं था कलर, तो फिर मैंने ये ले लिया एक ग्रीन कलर का और एक येलो कलर का। बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, यही लिया था। और उनको लेना था कुछ कुछ सामान बच्चों के लिए, तो वो सब लिया। और बाकी फिर से हम जाएंगे कुछ दिन बाद, तो सब साथ में फिर उसके बाद लेंगे। रागनी भी जाएगी उसके बाद, रागनी नहीं गई थी। तो खाना वाना सब बन गया है, यहाँ पर कपड़ा सारा वॉश करने के लिए रखा हुआ है, जब पानी आएगा तो वॉश करूँगी। पानी नहीं आ रहा है अभी घर में, थोड़ा कम आ रहा है। तो चलिए अब ब्लॉग को करते हैं प्यार एंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में आपको।